इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी डे वन ऑफ 100 डे सीरीज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोलॉजी के डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज और उसके ब्रांचेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पैथोलॉजी एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है पैथोस यानी सफरिंग और लोगस यानी स्टडी। तो वैसे देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ सफरिंग्स। अब प्राचीन काल में हम डिजीज़ को सफरिंग्स ही समझते थे, जहाँ पर एक इंसान परेशान होता है डिजीज़ की वजह से। इसी परेशानी को जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज। तो पैथोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसी भी डिजीज़ में जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, चाहे वो स्ट्रक्चरली हो चाहे वो फंक्शनली हो, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब पैथोलॉजी के साथ ही एक और टर्म होता है पैथोफिजियोलॉजी, जिसका मतलब पैथो यानी सफरिंग और फिजियोलॉजी यानी फंक्शनिंग होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्ड फंक्शनिंग, यानी कि जब भी कोई डिजीज़ होती है और उसमें जो भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है तो उसको जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो वैसे देखा जाए तो ये मेडिकल फील्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता है, क्योंकि बिना डिजीज़ को जाने आप उसको ना ही डायग्नोस कर सकते हो, ना ही उसको प्रिवेंट कर सकते हो और ना ही उसको ट्रीट कर सकते हो। मेडिसिन और हेल्थ केयर फील्ड में अगर काम करना है तो बिना किसी डिजीज़ की पैथोलॉजी को जाने आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि पैथोलॉजी ऑलमोस्ट हर मेडिकल फील्ड का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता है। इसका महत्व तो सर विलियम ओस्लर के इस फेमस कोट से ही पता चलता है, योर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विल बी एज गुड एज इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोलॉजी। तो बिना डिजीज़ को समझे या बिना पैथोलॉजी को जाने आप मेडिसिन या मेडिकल फील्ड प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ की जो हम पैथोलॉजी में बहुत बार यूज़ करते हैं। सबसे पहला है पेशेंट। पेशेंट वो है जो सफ़र कर रहा है या किसी भी डिजीज से परेशान हो रहा है। इसी सफरिंग को हम पैथोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। लीजन्स वो खास बदलाव है जो टिश्यूज़ और सेल्स में पाए जाते हैं जब पेशेंट को कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ या स्पेसिफिक डिजीज़ होती है। ये वो खास बदलाव है जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को ही दर्शाता है। अब इटियोलॉजी की बात करें तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ये डिजीज़ या कोई भी सफरिंग होती है, जैसे स्मोकिंग से लंग कैंसर या शुगर खाने से डायबिटीज़। तो ये इटियोलॉजी होते हैं। अब अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये एक मैकेनिज्म है कि कैसे ये डिजीज़ उत्पन्न हुई और कैसे ये प्रोग्रेस हुई। ये डिजीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करता है और ये दर्शाता है कि आगे इस डिजीज़ में क्या होने वाला है और ऑलरेडी क्या हो चुका है। मॉर्फोलॉजी यानी वो चेंजेस जो आप टिश्यू और सेल में तब देखते हो जब पेशेंट बीमार होता है। तो बीमारी के वजह से जो चेंजेस आपको टिश्यूज़ और सेल्स में दिखाई देते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब ये मॉर्फोलॉजी दो टाइप की होती है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी जब आप टिश्यू या सेल में जो भी बदलाव हुए हैं वो डायरेक्टली देख पाते हो, जबकि माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी में आपको एक माइक्रोस्कोप द्वारा ही ये चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये है कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी आपके पैथोलॉजी के जो आपको इस सब्जेक्ट में हमेशा याद रखने पड़ेंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के तरफ, वो है ब्रांचेस या डिविजन्स ऑफ पैथोलॉजी। वैसे तो पैथोलॉजी दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइडेड है, पहला जनरल पैथोलॉजी और दूसरा सिस्टमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी यानी वो पैथोलॉजी जो जनरल में सारे ही डिजीज़ के प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करता है,
सिस्टमिक पैथोलॉजी यानी वो पैथोलॉजी जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसी डिवीजन के अलावा पैथोलॉजी मॉर्फोलॉजिकल और नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस में भी डिवाइडेड होती है। मॉर्फोलॉजिकल ब्रांच जो होती है पैथोलॉजी की, उसमें हम माइक्रोस्कोप द्वारा टिश्यूज या सेल्स को एग्जामिन करने में लगते हैं। बट नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी में हमें ज़्यादातर लेबोरेटरी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस जो है वो आगे तीन और ब्रांचेस में डिवाइड हुए हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी और हीमेटोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज और पैथोलॉजी का तो वैसे भी मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसीज। तो इसमें हम टिश्यूज़ में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं डिजीज़ के वजह से वो पढ़ते हैं। अब क्योंकि इसमें हम टिश्यूज़ को देखते हैं तो ज़्यादातर चेंजेस हम अपने आँखों से डायरेक्टली देख सकते हैं और फिर कंफर्मेशन के लिए कुछ स्टेनिंग मेथड्स या माइक्रोस्कोपी के द्वारा भी हम इन चेंजेस को देख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो टिश्यूज़ बहुत सारे सेल से बना होता है और बहुत सारे प्रकार के सेल से भी बना होता है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते बट उनका ओवरऑल अरेंजमेंट भी काफ़ी मायने रखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई टिश्यू जो स्क्वामस सेल से बना होता है और जो मसल फाइबर्स के इकट्ठा होने से बनता है, अगर उसमें आपको क्यूबॉइडल सेल्स मिल जाते हैं तो इसको पैथोलॉजिकल चेंजेस भी माना जा सकता है। अब वैसे तो हिस्टोपैथोलॉजी बहुत सारे सब डिवीजन में और डिवाइड किया हुआ है, पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है सर्जिकल पैथोलॉजी, एक्सपेरिमेंट पैथोलॉजी और फॉरेंसिक पैथोलॉजी और ऑटोप्सी वर्क। सर्जिकल पैथोलॉजी यानी वो पैथोलॉजी जिसमें हम सर्जरी के दौरान निकाले गए किसी भी टिश्यू को जांचते हैं। अब आपने कई बार देखा ही होगा कि ओटी में कई बार जब आप सिस्ट या कोई पार्ट ऑफ ऑर्गन निकालते हो तो हम एक छोटा सा टिश्यू सैंपल पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि इसमें कोई एबनॉर्मल टिश्यूज़ या सेल्स है या नहीं। अब उसी रिजल्ट के बेसिस पर हम पेशेंट का प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं। सर्जिकल पैथोलॉजी के वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी टिश्यू में कैंसर वाले चेंजेस है या नहीं। इससे हम जेनेटिक चेंजेस और प्री कैंसरस चेंजेस का भी बहुत जल्दी पता लगा पाते हैं और इसी के वजह से हम कोई भी इन्फेक्शन अगर टिश्यू में है या नहीं उसका भी पता आसानी से लगा पाते हैं। अब अगर हम एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें हम वो चेंजेस देखने की कोशिश करते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट दौरान हमें किसी जानवर या इंसान में देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये एक्सपेरिमेंट के इफ़ेक्ट को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये चेंजेस हमें बहुत सारी दवाइयों और केमिकल्स का हमारे टिश्यूज़ पर जो इफ़ेक्ट है उसे समझने में मदद करते हैं। ये ध्यान देना कि हर चेंज जो आपके एनिमल टिश्यूज़ में होता है वो हमारे इंसानों के टिश्यूज़ में हो ये कंपलसरी नहीं है। फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी वर्क, ये वो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स है जो हम पोस्टमार्टम के दौरान लेते हैं मेडिको लीगल काम के लिए। ये पता लगाने में मदद करता है कि उस इंसान की मृत्यु कैसे हुई और ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जिस वजह से उस इंसान की डेथ हो गई। ये कोर्ट में सबूत या एविडेंस की तरह भी काम करता है और जो नॉलेज हम फॉरेंसिक पैथोलॉजी और ऑटोप्सी वर्क से मिलती है उससे हम ह्यूमन बॉडी को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। यही रीज़न है कि किसी ने सही कहा है, द डेड टीच द लिविंग, एस्पेशली जब हम मेडिसिन की बात करते हैं। ये तो थे हमारे हिस्टोपैथोलॉजी के तीन मेन ब्रांचेस। अब बात करते हैं साइटोपैथोलॉजी के। साइटोपैथोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी से काफ़ी अलग होता है क्योंकि साइटोपैथोलॉजी में हम सेल्स को जांचते हैं।
कुछ सेल्स जो आपके घाव या लीजन छोड़ते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है और माइक्रोस्कोप द्वारा उसे जांचा जाता है। उसी के साथ साथ वो सेल्स भी जांचे जाते हैं जो आपको आपके फ्लूइड जैसे प्लाज्मा, ब्लड इनमें मिलते हैं या फिर जो आपके टिश्यूज से हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी का लास्ट ब्रांच है आपका हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी डील करता है आपके ब्लड के डिसऑर्डर्स से, यानी कि खून में जो भी कमी आती है या जो भी चेंजेस आते हैं उसको इसमें जांचा जाता है। इसमें ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड के सेल्स, प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर्स ये सब जो है वो जांचा जाता है और इनके जो भी चेंजेस होते हैं उसका भी पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस। इसमें हम 6 ब्रांचेस की बात करेंगे। पहला है क्लिनिकल पैथोलॉजी, फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम हमारे शरीर के बहुत सारे जो फ्लूइड्स हैं उनमें से किसी भी फ्लूइड को जांचते हैं ताकि पेशेंट की एबनॉर्मलिटी को समझ सकें। फ्लूइड्स जैसे आपके ब्लड, यूरिन, सीमन, CSF इत्यादि आपके पेशेंट में से लिया जाता है और इनमें जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं या जो भी आपके केमिकल्स पाए जाते हैं, सब्सटेंस में चेंजेस आते हैं, इनको देखा जाता है। ये चेंजेस नॉर्मली लोगों में नहीं मिलेंगे बट डिजीज कंडीशन में ये चेंजेस होते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी हुई है। अब जब क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम बायोकेमिस्ट्री या केमिकल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तब हम उसको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, यानी इसमें हम बॉडी के फ्लूइड्स में वो केमिकल्स या सब्सटेंसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं जो साधारणतः नहीं मिलते और जो सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज के वक्त ही उस टिश्यू या सेल्स में पाए जाते हैं। कई बार क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी एक दूसरे के साथ मिक्स होती है। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के तरफ। माइक्रोबायोलॉजी आपको ऑलरेडी इस नाम से पता ही है कि हम इसमें माइक्रोब्स या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो ह्यूमंस में डिजीज या बीमारी फैलाते हैं। इसमें टिश्यूज़ या फ्लूइड को माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है किसी भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के होने या न होने की जांच करने के लिए। अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इसमें हम इम्यून सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इम्यून सेल्स और इम्यून सिस्टम रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स है उसको जांचा जाता है ताकि हमें ये पता चले कि इनमें कोई डिफेक्ट या एबनॉर्मलिटी हुई है या नहीं। हमारे शरीर में ऐसी कई बीमारियां हैं जो इम्यूनिटी के वजह से होती है और इसका पता हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। मेडिकल जेनेटिक एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जीन्स, आपके DNA, इसका आपके बॉडी पर या टिश्यूज़ पर क्या असर रहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें उन डिजीज़ का पता करने की कोशिश करते हैं जो आपको आपके फैमिली के हिस्ट्री में से मिलती है। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में हम DNA लेवल पर जांच करते हैं किसी भी सेल की ताकि उसमें जो भी एबनॉर्मलिटीज हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको आप DNA लेवल पर समझ सको और उसको ट्रीट भी कर सको।